स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। पंड्या स्टोर में नताशा ईशा से पूछती है कि उसने अपने भाई के बच्चे को क्यों लिया और ईशा उसे धवल से पूछने का निर्देश देती है। वह नताशा को बताती है कि उसका भाई उससे प्यार करता था, लेकिन जब उसने अपने लक्ष्य का पीछा किया तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। जब नताशा को आश्चर्य होता है कि उसने 3 साल में अपने भाइयों से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, तो ईशा कहती है कि उसने अपने आकांक्षाओं के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया, क्योंकि मकवाना परिवार महिलाओं को अपने जुनून को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है। अमरेश डॉली को ईशा के बारे में बताता है और बताता है कि उसने उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। धवल ईशा का बचाव करता है और अमरेश को उसे अस्वीकार करने के लिए डांटता है। धवल का दावा है कि उसे अंदाजा है कि ईशा मुसीबत में है, इसलिए वो 3 साल बाद वापस आई है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। अमरेश उसे उसका बचाव करने से रोकता है। धवल का दावा है कि वह उसकी बड़ी बहन है जिसने अपने उद्देश्य के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया और अंबा उसका समर्थन करती है। ईशा ने नताशा से आग्रह किया कि वह मकवाना को अपना नाम ना बताए। नताशा उससे पूछती है कि वह गोलू को क्यों ले गई। ईशा का कहना है कि उसे जलन हो रही थी क्योंकि 3 साल में किसी ने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया था और जब उसके बेटे को ले जाया गया तो उनकी सबकी सांसें थम गई। चीकू आता है, ईशा उससे झूठ बोलती है और डाकू उनके घर में घुस आता है और नताशा चली जाती है। नताशा घर पहुंचती है और देखती है कि धवल और अमरेश ईशा को लेकर झगड़ रहे हैं। अमरेश ने उसे देखा और अपने कमरे में चला गया, फिर सभी चले गए। श्वेता माँ की घटना से तुलना करते हुए नताशा कहती है कि चीजें इतनी बुरी नहीं है कि ईशा से माफी ना मांगी जा सके। उस रात के बाद नताशा धवल को अपने कमरे में रोते हुए पाती है और उसे अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल देती है। उसने रात का खाना खाने से इनकार कर दिया है। नताशा अपना रवैया बदलने की कोशिश करती है, तब धवल उससे विनती करता है कि वह उसे अपने स्थान पर रहने दे, लेकिन नताशा दिवाली का असली महत्व समझाती है। ईशा पंड्या परिवार से भागना चाहती है। नताशा धवल से कहती है कि वह अभी भी अपनी बहन से प्यार करता है और धवल को उसके साथ छेड़ना और खेलना याद है। चीकू ईशा को खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखता है और उससे पूछता है कि वह स्क्रू के साथ क्या कर रही है, जबकि नताशा हर कमरे में जाती है और देखती है कि हर कोई परेशान है क्योंकि वह अपने बच्चे से दूर है।